गुड इवनिंग गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरे सभी चाहने वालों को नमस्कार। तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो शायद मैं किसी पे ब्लॉग बना दूँ। आज तबीयत ठीक हुई है इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ, वरना कल तो बहुत बुरी हालत है। कल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हमारी वाइफ भी थी, उन्होंने मुझे भर्ती करवाया। और हालत ये है कि उनकी दवाइयों के बदौलत आज थोड़ा चल फिर सक रहा हूँ। और क्या कहूँ मैं, कोई वीडियो नहीं बना पा रहा, इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहता हूँ। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ये हमारे टाटा मोटर्स का हॉस्पिटल है। एक्चुअली जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, टाटा मोटर्स में, उस कंपनी का ये हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल तो खैर वैसे अच्छा होता नहीं है किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए क्या, सब किसी के लिए नहीं। खैर ये हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, इसका सिनेरियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका सिनेरियो देखिए बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये अच्छा लग रहा है। वार्ड का मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वार्ड का जो भी वीडियो है वो दिखाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं वही वीडियो दिखा रहा हूँ जो मैं वार्ड से थोड़ा अलग असर दिखा रहा हूँ। खैर डॉक्टर ने मुझे देखा, कल एग्जामिन किया और उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। फिलहाल तो कैल्पोल से चालू किया, उन लोगों ने दो कैल्पोल एक साथ दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने डाइल्यूटेड कैल्पोल दिया, वो आता ना इंजेक्शन में डालकर ऊपर से सिरिंज के द्वारा, वो डाला, कुछ कम हुआ बुखार, शाम को फिर बढ़ा, शाम को उन्होंने फिर डाइल्यूटेड कैल्पोल दिया, कुछ ठीक हुआ। आज सुबह से थोड़ा ठीक था, अभी दोपहर में फिर बुखार आ गया, शाम हो रही है अभी करीब 4:30 हो रहा हो, अभी ठीक है। देख रहे हैं आँखें पूरी खुल गई है, कल जो मैंने सुबह वीडियो पोस्ट किया था, कल या शायद परसों लास्ट, उसके बाद से मैंने कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं किया है। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं लगातार 3 वीडियो शॉर्ट्स के पोस्ट करता था और आगे की पोस्ट नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने एक ब्लॉग बनाया। कम से कम एक ब्लॉग तो डाल सकूँ ढंग का, वो तो मैं डाल नहीं पाता। और अपना क्या ही बताऊँ मैं, सब तो यूँ ही चल रहा है। ये हॉस्पिटल का पूरा व्यू है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये हॉस्पिटल का बैकयार्ड है, बैकयार्ड से ये व्यू आपको पूरा ऐसा दिख सकता है। देख पा रहे हैं ना, हॉस्पिटल में ज़्यादा चलने को भी मना किया था, पर क्या करें, यूट्यूब चला छोड़ता ही नहीं है, ब्लॉग बनाओ। एक्चुअली क्या है ना, कि रम जाता है, अच्छा लगता है। कोई अगर बंदा ब्लॉग बना रहा है वो इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट के चलते बना रहा है, कोई फोर्स नहीं है कि नहीं बनाओ यार, नहीं तो तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएंगे, ऐसा नहीं है। लोग बस बना रहे हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जारी रहे। बारिश काफ़ी तेज हो गई है, चलिए वापस चलता हूँ अपने बैरक में, यानी अपने मेडिकल वार्ड में।
हमारी दवाई का भी समय हो गया है, दवाई लेते हैं। जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो चलता रहता है। थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो आज बना भी लिया ब्लॉग, वरना मुझसे ना होने का था आज भी। शायद बारिश इतनी तेज हो रही है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। बस देखिए क्या पोशाक है, ये इन लोगों ने पोशाक दिया है, ये हॉस्पिटल का यही पोशाक होता है ना। मैंने एक हवाई चप्पल अपने घर से मंगवाया, ठीक है, देख लीजिए। और ये आप हवाई चप्पल में इस पोशाक में जोकर बनकर चलते रहे। बारिश तो अच्छी हो रही है, ये हॉस्पिटल का पूरा गली आ रहा है, देखिए पूरा गली आ रहा है। तो भाई साहब काम करते हुए जा रहे हैं, पूरा गली आ रहा है। और इधर कैंटीन है, देखिए तो पता है डाइनिंग हॉल मेल मेडिकल हॉल गुड साइड, मेल मेडिकल हॉल गुड साइड, डाइनिंग हॉल गुड साइड, सीधा में डाइनिंग हॉल है। चलिए चलते हैं अपने वार्ड के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया, मेरे स्वास्थ्य की खैर कीजिएगा, भगवान से मनाइएगा कि धन्यवाद, जय हिंद।